मतलब मेरी बैचलर पार्टी में वीआईपी गेस्ट बनेगा वो क्रिश? मजाक कर रहे हो ना तुम लोग मेरे साथ? हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि तूने ही बोला था ना यार कि पार्टी में मस्ती करेंगे, फन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और दूसरी तरफ तू ही जाके वो क्रिश को इनवाइट कराया। हाँ, so it's gonna be super fun ना? I wish मैं इस पार्टी में आ पाती। बेबी, एक काम करना, तुम इसकी बेकार पार्टी में चली जाओ और मैं सारा की पार्टी में जाके एंजॉय करूंगा। अरे यार, पीयू चाहती थी कि मैं उसे बुलाऊं यार। मैं तो ये सोच के गया था कि वो मना कर देगा और मैं उसे बताना भूल भी गया था, लेकिन वो एंड मौके पे पीयू का मैसेज आ गया और मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था ना, लेकिन उसके पास तो ऑप्शन था ना, वो ना कर देता, लेकिन उसे ना नहीं की क्योंकि वो चाहता है कि मुझे इरिटेट इरिटेट करे। अब भाई इस चक्कर में मेरी पार्टी का तो सत्यानाश हो गया ना, खत्म हो गया यार, मेरी पार्टी खत्म हो गई यार। विकी तो क्या हुआ है यार, क्या करूं मैं यार, जान दे दूं अपनी यार, नहीं चाहता मैं वो आए। पर अब ठीक है ना, इग्नोर कर दे, मुझे नहीं, आई लव यू बट। एक रात के लिए तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते क्या? एक प्रिया, वो ऐसे क्यों देख रही है? मतलब ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसे तू कुछ छुपा रही है? नहीं, मैं क्यों छुपाऊंगी? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं नहीं बोल रही हूँ, तेरी शक्ल बोल रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं तुझे और पीहू को घर ले जाने आई हूँ शाम की पार्टी के लिए। इतना जल्दी? अभी तो 12 बजे है। अपनी बहन के साथ थोड़ा वक्त गुजार लिया तो उसमें क्या बुराई है? आई नो, सॉरी सारा दी, इस डील वगैरह के चक्कर में आपके साथ में बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं कर पाई हूँ, पर आज की शाम सिर्फ आपके नाम पक्का। प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। क्योंकि आपकी लाइफ मेरी तरह नहीं है, आपकी लाइफ रियल है, इसलिए आज का दिन भी स्पेशल और बहुत रियल होना चाहिए। आई लव यू। सारा दी ने इस डील के लिए अपनी शादी के सारे फैसले मिस्टर कपूर को लेने दिए हैं, तो दी की खुशी के लिए मैं एक रात का इंतजार तो कर ही सकती हूँ। वो तो मैं भी नहीं कर सकता है यार, क्या सोच के मैंने। सुनो जान, पार्टी में जो भी होगा ना, किसी से रिकॉर्ड जरूर करवाना, ये वाली रिकॉर्डिंग देखने के लिए मैं पैसे भी दे दूंगी। बड़ी बड़ी हंसी आ रही है, राइट? बड़ी हंसी आ रही है इसे। पता है इनकी पार्टी कैसी होगी? सब लोग ऐसे कपड़े पहन के बाहर आएंगे, ही करेंगे और म्यूजिकल चेयर्स खेलेंगे, बस ऐसे होने वाली है ये पार्टी। और आदि तू क्या खा क्या है, बोलेगा कुछ अपनी बीवी को? हाँ हाँ, नहीं मतलब ये पार्टी में ये लोग क्या करेंगे? बस हाँ, आओ सखी चुगली करें, यही करेंगे ये लोग। चुगली तुम करना और म्यूजिकल चेयर खेलना क्रिश के साथ, हम तो पार्टी में बहुत मजा करने वाले। इनफैक्ट मैं रिकॉर्डिंग करके भेजूंगी, तुम लोग उसको देख के मजे करना। ओ भाई, कैसे दोस्त है यार मेरे। बुरा मत फील करा। वाओ, कितना अमेजिंग प्लान है, बहुत मजा आएगा। पीहू का प्लान है। अच्छा? हाँ, मैंने बनाया, खूब सारी मस्ती करेंगे। ऑफ कोर्स, फिर तो हम चले जाएंगे दूसरे एडवेंचर पर। पीहू, सारा दी प्लीज, आज के दिन मूड खराब नहीं करेंगे, ओके? आज का दिन बहुत स्पेशल है, इसलिए सिर्फ हंसना है और खुश होना है, ओके? लेकिन एक शर्त पे, कि कोई भी कहीं भी जाने की कोई जिक्र नहीं करेगा, ओके? मिसेस नंदिनी कपूर, कल जब मैं वापस आऊंगी तब आपका सच सबके सामने लाऊंगी, पर उसका असर ना तो मिस्टर कपूर की डील पर होगा और ना ही सारा दी की शादी पर। और कैसे पता होगा? आपको बुरा लगा, आप हर्ट हो तो ठीक है, मैं ना डांट लगाऊंगी। किसको? मिस्टर खर, मतलब मिस्टर कपूर को। क्यों? अरे हर बार कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, मेरी पीहू नाराज हो जाती है। अब उन्होंने कुछ नहीं किया। ओ, तो आप उनसे नाराज नहीं हो, तो फिर किससे नाराज हो? आपसे मिस्टर। मुझसे क्यों? क्यों नहीं पहने उसने क्रिश के कपड़े? एक्चुअली कौन ड्रेसअप होना चाहेगा क्रिश की तरह? My clothes are far more stylish. Of course, और क्या रीजन हो सकता है ना? जो भी हो, मैं प्रिया से ही पूछ लेता हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया? मैंने आपको हर्ट किया, पर मैंने क्या किया है? आपने मेरा मजाक उड़ाया सबके सामने। कब? अभी, सबके सामने। पर बेटा, मैंने आपका मजाक नहीं। आपको मिस्टर खरुस की एक्टिंग करनी थी ना, तो आप मेरी एक्टिंग क्यों कर रहे थे? बेटा, मैं आपकी एक्टिंग नहीं कर रही थी।
कर रहे थे सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया, फिर वो दवाई ली जैसे मैं लेती हूँ फिल्टर वाटर, मैं पूछती हूँ पीने से पहले, एक सेकंड भी मैं ही बोलती हूँ। बेटा पर मैं आपकी एक्टिंग नहीं कर रही थी, सच में मिस्टर कपूर भी ऐसा करते हैं। नो, वो मुझे कॉपी करते हैं, ऐसा सिर्फ मैं करती हूँ और आपने मजाक उड़ाया मेरा। बेबी पीयू पिया को गुड नाइट बोल दिया? हाँ बोलते। चलो फिर चलो। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है राम? ओ कुछ बात करनी थी मुझे तुम्हें। पीयू सो गए हैं। ठीक है बाद में कर लेते हैं। ओ चल। ओ हो राम और पीयू बिल्कुल एक जैसे हैं, क्या इसका मतलब? मम्मा मैं नहीं मानती आप मिस्टर खड़ूस की कॉपी कर रहे थे, आप मुझे फिर से समझाओ। ओके पीयू, मिस्टर कपूर की हम कॉपी करेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे, आपका आइडिया था है ना? नो, पहले आप मम्मा की पूरी बात सुनो। जब आपने कहा कि हम मिस्टर कपूर का मजाक उड़ाएंगे तो बहुत फनी होगा, मजा आएगा, लेकिन अगर मैं आपका मजाक उड़ाऊं तो आपको बुरा लगता है, क्यों? ये तो फेयर नहीं है ना जूनियर मिसूद। अगर आप मजाक सह नहीं सकते तो आपको कभी किसी का मजाक उड़ाना भी नहीं चाहिए, ये रूल है। ओके सच्ची? पर मिसूद मेरा कोई मजाक उड़ाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, तो फिर आप भी किसी और का मजाक नहीं उड़ा सकते। उन्हों फिर मजा कैसे आएगा? अब समझी मैं, मतलब आपको मजा आया मेरा मजाक उड़ा के। अरे बाबा नहीं, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रही थी, और मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी, नहीं उड़ाया मैंने आपका मजाक। पर वो सब तो मैं करती हूँ ना। पर पीहू वो सब तो मिस्टर कपूर करते हैं। अरे मैं करती हूँ और वो मुझे कॉपी करते हैं। अच्छा ठीक है, वो आपको कॉपी करते हैं तो मैं वही करके दिखा रही थी, जब वो आपको कॉपी करते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा अब समझे आप? अब मैं गुस्सा नहीं हूँ, अब मैं हैप्पी हूँ। बस स्ट्रेस बहुत है, कुछ खाना पड़ेगा। ये भी कॉपी करते हैं। आप राम को बता दे। क्या? यही कि पीयू उसकी बेटी है। गाइस क्या तुम दोनों में से किसी ने नोटिस किया राम और पीयू में कितनी सिमिलैरिटीज हैं? क्या? हाँ आई मीन उनकी बात करने का तरीका, उनके चलने का तरीका, इनफैक्ट खाने की सारी चॉइसेस, सब सब मिलता है उन दोनों में। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.